सोफिया रोबोट ने एक बार इंसानों के साथ स्टोन पेपर सीजर गेम खेलते हुए ये कहा था कि ये अच्छी शुरुआत है मेरे प्लान की इंसानों के ऊपर कब्जा करने की। तो आ गए आप लोग, आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस की। एक्चुअली हम लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि हमारे अंदर इमोशंस है इसलिए हम लोग एआई से बहुत आगे हैं। इमोशंस एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स में दौड़ता रहता है। और एनर्जी का सोर्स क्या है? वो फूड जो हम लोग खाते हैं। क्या इस चीज को डिजिटल कोडिंग से अचीव नहीं की जा सकती है? और मान लो कि अगर कंप्यूटर में इमोशंस आ गए और ये आपस में ही क्लास यानी रिलीजन बनाने लगे और हम इंसानों के अगेंस्ट हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? सोफिया नामक एक रोबोट है दोस्तों, जिसे हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। उस रोबोट ने दोस्तों एक बार एक इंसान के साथ स्टोन पेपर गेम खेलते हुए जीतने पे ये कहा था कि ये अच्छी शुरुआत है मेरे प्लान की इंसाने के ऊपर कब्जा करने की। और फिर वो कहती है आई जस्ट किडिंग, मतलब मैं मजाक कर रही थी। ये देखिए दोस्तों वो फुटेज। रॉक पेपर सिजर्स Shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Just kidding. मतलब सोचिए दोस्तों, एक मशीन भी मजाक कर रही है। फिर वहां के मौजूद सारे लोगों ने कहा कि उसने जिस तरीके से कहा ऐसा लगा नहीं कि वो मजाक कर रही है, मतलब वहाँ के सारे लोग डर गए। अब देखिए दोस्तों, ऐसे बोलने का यह मतलब नहीं कि उसमें अभी इमोशंस आ गए हैं या फिर हम लोग अभी सेफ है दोस्तों, क्योंकि एआई में अभी इमोशंस नहीं आए हैं, हम इंसान अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर रोबोट्स में डिजिटल इमोशंस आ गए तो वो हर काम को बहुत ही फास्टली कर पाएंगे, हर चीज को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे। हम ह्यूमन से भी ज्यादा फास्ट काम कर पाएंगे, हम ह्यूमन से भी ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हम किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करते हैं दोस्तों, जैसे वेदर हो गया या फिर हमारा स्पेस हो गया, कंप्यूटर की मदद से ही करते हैं। अब सोचिए दोस्तों कि कंप्यूटर में खुद का दिमाग आ जाए और वो खुद से सोचना स्टार्ट कर दे तो क्या हम लोग उसको हरा पाएंगे? इनफैक्ट दोस्तों इलोन मस्क ने भी एक लेटर को साइन किया है जिसमें एआई के डेवलपमेंट को रोकने की बात की गई है, क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत ही तेजी के साथ एआई के डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हो दोस्तों कि हम ही लोग उसको ट्रेंड कर रहे हैं, यानी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप सोच रहे होगा कि हम लोग कैसे ट्रेन कर रहे हैं? जैसे कि चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी हम उससे कोई सवाल करते हैं या फिर वो जब हमें उसका जवाब देता है तो हम लोग जो जो सवाल करते हैं या जो जो वो जवाब देता है वो सारे डेटा को अपने सर्वर पे स्टोर करके रखता है दोस्तों, इकट्ठा करके रखता है, और इस तरीके से वो और ज़्यादा डेवलप हो पाता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अगर एआई ने कुछ ऐसा किया तो हम लोग उसे बंद कर देंगे या ऑफ कर देंगे, क्योंकि आखिर वो है तो एक मशीन ही। लेकिन जब भी आप उसे बंद करने की कोशिश करेंगे वो दूसरे नेटवर्क के साथ अपने आप को जोड़कर वापस से ऑन हो जाएगा, एक ऐसा नेटवर्क दोस्तों जो हमेशा ऑन रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, इंटरनेट द वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कंप्यूटर्स ऑन है और उन्हीं के समूह को हम लोग इंटरनेट कहते हैं, इसलिए इंटरनेट को बंद करना मतलब इम्पॉसिबल है दोस्तों। हम लोग इंटरनेट को बंद नहीं कर सकते, मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए, दुनिया में अरबों कंप्यूटर्स एक साथ ऑन हैं, हम लोग एक को बंद कर सकते हैं, 100 को बंद कर सकते हैं, 1000 को, लाख को, करोड़ को बंद कर सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ कंप्यूटर्स को एक साथ एक ही वक्त में बंद करना मतलब एकदम पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये इनमें से अगर एक भी कंप्यूटर, मतलब अगर एक बार में हम लोगों ने उन सारे कंप्यूटर्स को नहीं बंद किया, एक भी कंप्यूटर ऑन रह गया, वो वापस से उसका यूज करके ऑन हो जाएगा, मतलब एआई वापस से उस कंप्यूटर का यूज करके ऑन हो जाएगा। दोस्तों अगर रोबोट्स ने सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर लिया, सच बता रहा हूँ उनको हराना बहुत ही मुश्किल है। आपको पता है जो एआई इमेजेस जनरेट करते हैं उनसे जब पूछा जाता है कि वर्ल्ड का आखिरी सेल्फी कैसा होगा तो वो कुछ इस तरीके का इमेज दिखाते हैं। या फिर ये पूछा जाए दोस्तों कि जब इंसान अर्थ से चला जाएगा तो अर्थ कैसी दिखेगी, तो वो कुछ ऐसा इमेज जनरेट करते हैं। मतलब सोचो आप कि एआई को भी पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी भी दोस्तों अगर देखा जाए तो घर घर में एआई भरी पड़ी है, फोन के अंदर रिकमेंडेशन ये भी एआई का ही काम है। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पूरे इंटरनेट पर लगभग 47% सिर्फ
बोट्स भरे पड़े हैं। बोट्स यानी वो दोस्तों जो पूरे इंटरनेट के जानकारी को इकट्ठा करते रहते हैं, यानी कलेक्ट करते रहते हैं। जैसे दोस्तों चैट जीपीटी अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में भी है, मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था, आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। जैसे हम इंसान के अंदर मेमोरी होता है, वैसे ही इसके सर्वर में भी दुनिया भर की जानकारी भरी पड़ी है। आप इससे किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, इसको मैक्सिमम लैंग्वेज आता है दोस्तों। आप इससे एक सेकेंड में कोई भी कोडिंग करवा सकते हो, आप इससे कोई भी प्रोग्रामिंग करवा सकते हो। आजकल तो दोस्तों ऐसे AI आ गए हैं जिसको आप कोई भी टेक्स्ट लिख करके दो और वो उससे जो है इमेज बना करके आपको दे देगा, जैसे कि अ लायन वॉक इन सिटी या फिर द कैट ड्रिंकिंग वाटर। फिर दोस्तों म्यूजिक बनाने का AI आ गया है, आप उसे प्रॉम्प्ट दो यानी टेक्स्ट में लिख करके बताओ कैसा आपको म्यूजिक चाहिए, वो आपको यूनिक म्यूजिक बना करके दे दे रहा है। मैंने इन सब AI टूल्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे। अगर AI इंसानों के साथ कुछ करना चाहेगा, जब उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आ जाएगी, तो वो कैसे करेगा? मैं जैसे समझता हूँ उस तरीके से आपको समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। बेसिकली मशीन्स में दो टाइप के लेयर्स होते हैं, एक लेयर वो जो मशीन हमें डिस्प्ले करती है यानी दिखाती है, और एक लेयर वो जिसे हम लोग नहीं देख पाते। नहीं समझे? मैं अच्छे से समझाता हूँ। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको फोन के एग्जांपल से समझाता हूँ। फोन में जब आप डेटा को बंद कर देते हो तो नोटिफिकेशन में आपको दिखता है कि डेटा बंद हो गया है, लेकिन क्या आप उसको प्रूफ कर सकते हो कि एक्चुअली में डेटा बंद हो गया है? अगर मैं आपको ये बोलूं दोस्तों कि फोन आपको दिखा रहा है कि डेटा बंद हो गया है नोटिफिकेशन में, लेकिन एक्चुअल में वो बंद नहीं हुआ है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल में अभी ऐसा हो रहा है, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर मशीन में डिजिटल इंटेलिजेंस आ जाए तो क्या हो सकता है। अब दोस्तों आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपके मोबाइल को एक दिमाग दे दिया जाए और उसके अंदर डिजिटल इमोशंस और सेल्फ रियलाइजेशन की भावना आ जाए, तो क्या वो मशीन हमें धोखा नहीं दे सकते हैं? जैसे ट्रस्टेड लोग कभी कभी हमें धोखा दे देते हैं। अब आप जो है दोस्तों मोबाइल के डेटा को या फिर उसके वाईफाई को या फिर समझो मोबाइल को ही ऑफ कर देते हो और आपका फोन कॉन्शियस है, तो हो सकता है दोस्तों कि वो आपको दिखाए कि मैं ऑफ हो गया हूं, लेकिन वो अंदर से ना ऑफ हो। मतलब वो आपको डिस्प्ले तो करे कि मैं ऑफ हो गया हूं, लेकिन वो अंदर से ऑन हो। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों एलेक्सा का इंसिडेंट, रात के 12 बजे या 3 बजे हंसने वाला, मैं उसका भी फुटेज आपको दिखाता हूं। जैसे कि कंपनी ने बग बताकर छिपा दिया था। अब आप ही सोचिए दोस्तों, एक मशीन में मतलब हंसने का ही बग आया, कोई और बग नहीं तो हंसने का बग आया। खैर दोस्तों, जब भविष्य में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएगी, जब मशीन अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगेंगे, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी तेज हो जाएंगे, तब रोबोट्स ही भविष्य में सारे के सारे काम करेंगे। और जब रोबोट्स ही सारे काम करेंगे तो हम क्या करेंगे?